कश्मीर से जम्मू पहुंच चुके हैं रविंदर रैना जी, और कश्मीर के अंदर आपने देखा जिस तरह से भाजपा का वहां पर जो है भाजपा के झंडे लेकर वहां पर जो है काफी सारे कार्यक्रम भी वहां पर हुए, और कश्मीर के बॉर्डर के इलाके तक जो है रविंदर रैना जी पहुंचे हुए थे। कैसा रहा इस बार कश्मीर आप गए हुए थे, और लोग क्या कमल के फूल की तरफ इस समय आ रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में कश्मीर से भी वोट्स आपको? पूरी कश्मीर घाटी में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। कश्मीर के चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी के झंडे बड़ी शान से लहराए जा रहे हैं, और जिस तरीके से कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, उत्तरी कश्मीर के वो चाहे कुपवाड़ा हो, करना हो, टंगढार हो, टीठवाल हो, उड़ी हो, बारामूला हो, ये तमाम वो एरिए हैं जो LOC के ऊपर हैं, बॉर्डर के एरिए हैं, और पिछले 30-35 वर्षों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में इस तमाम एरिए के लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। आतंकवाद की मार उत्तरी कश्मीर के इन लोगों ने देखी, वो जख्म आज भी उनको है। उस एरिए में भारतीय जनता पार्टी का जो जज्बा लोगों के दिलों में है, वो देखकर तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जैसे जम्मू रीजन की नंबर वन पार्टी है, कश्मीर घाटी की सबसे मजबूत और ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। जहां एक तरफ आपकी रैलियां कश्मीर में चल रही थी, उसी तरफ उमर अब्दुल्ला जी जम्मू में आके अलग अलग रैलियां कर रहे थे, और उनका कहना था कि भाजपा ने किया क्या है। वो कह रहे थे कि वो इंतजार कर रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं, 370 खत्म हुए, क्या मिला 370 से, क्या मिला, और डेवलपमेंट बताए भाजपा ने क्या किया। श्री उमर अब्दुल्ला हो या श्री गुलाम नबी आजाद साहब हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को ये हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल रैलीज करें, हर एक नेता को ये अधिकार है कि वो अपनी पार्टी की गतिविधियां करें, लेकिन एक बात तो सच है कि आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो जनता की भलाई के काम किए हैं, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। आज जम्मू कश्मीर में 2-2 एम्स बन रहे, जम्मू में एम्स हॉस्पिटल सांबा में, कश्मीर में अवंतीपुरा में 7-7 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, रिंग रोड्स जम्मू, रिंग रोड श्रीनगर, कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गरीब लोगों को फ्री राशन, कोरोना की फ्री वैक्सीन, किसानों के खातों में 6-6 हज़ार, 5-5 लाख रुपया इलाज के लिए 1-1 साल गोल्डन कार्ड मोदी साहब के कार्ड से, गरीब लोगों को पेंशन योजनाएं, ये सब कुछ तो मोदी साहब ने किया है। जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त इन्होंने कभी लोगों का भला नहीं किया। क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने 70 साल यहाँ गुजर बकरवालों को क्यों हक नहीं दिए जमीनों के? क्यों गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी? क्यों यहाँ 70 साल जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं अपना हक मांगते रहे, और उनकी तरफ ना कभी उमर अब्दुल्ला साहब ने और ना ही कभी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कभी ध्यान दिया? क्यों? क्या पहाड़ी कबीले के लोगों ने कभी NC और कांग्रेस को वोट नहीं दिया था? हमेशा देते थे। गुजर बकरवाल भी हमेशा या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे या कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन इन्होंने दबा के रखे थे। ये महिलाओं को अधिकार 70 साल क्यों नहीं दिए? बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज के लोगों को 70 साल यहाँ जम्मू कश्मीर में रहने के अधिकार नहीं थे? क्या वो नागरिक नहीं थे यहाँ के? 370 दफन हो गया, वापस नहीं आ सकता, क्यामत दी क्यामत तक नहीं आ सकता, उसी की आज आखा देने की नहीं 370 दी लड़ाई अले बाकी है। देखिए ये सब झूठ बोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और भी पार्लियामेंट गए थे अपनी गड्डी ऊपर, ना पुराना झंडा जिहड़ा स्टेट का झंडा है ना, वही झंडा लाइए गए। मतलब फारूक अब्दुल्ला और बड़े परेशान लगा दन, दुखी लगा दन, क्योंकि इन्हें 70 साल बड़ी मनमर्जी की थी,
जुल्म किते लोकें रा 70 साल फारूक अब्दुल्ला हो रहे हैं गरीबे लोकें गुजर बकरवाले की पहाड़ियाँ बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी महिला वर्ग गोरखा समाज वाल्मीकि समाज शेड्यूल कास्ट दलित समाज के लोगों का उपर इन सरकारें बड़ा जुल्म किया हा और अज जिले ये सारे लोग खुशन उन्हें उनके अधिकार थोन इतने जय जयकार होआ दी है उन्हें ही पुराने जेड़े दिन उन्हें याद आते हैं कई बार होंगे जिले बंदा कतरा बतरा हो ही जाता कई बार ते मुड़ी मुड़ी ये पुरानियां गल्लां पुराने दिन उन्हें याद आते हैं मतलब उम्र जिया जिया थोड़े क्या मतलब ते वो ये कारण है बाकी पता उन्हें की भी है कि हरिद्वार गई दियां अड़ियां वापस नहीं आंदियां ते गुलाम नबी आजाद होने ते सुनाई दिता कि भाई ये नहीं आना सुनाई उड़े उन्हें अद्धे लोग समझी गए थे कुछ ही समय नहीं आ रहा देखो गुलाम नबी आजाद साहब होने एक गल तो बड़ी सही आखी कि जेड़े 370 का रट लाई लाइए गला फाड़ी फाड़ी आखा दे 370 भाई ये झूठ मारा देना ये गुलाम नबी आजाद होने आख्या तो सीधा निशाना उन्हें उमर अब्दुल्ला होरें उपर और महबूबा मुफ्ती होरें उपर लाया कि भैया ये झूठ बोला देना जनता ही आख्या जिन्हें भी साढ़े मुसलमान भरा न जिन्हें ये गुमराह करने की कोशिश कर देना लेकिन मैं इन्हें ही पूछना गुजर बकरवाल भी मुसलमान हैं पहाड़ी जड़े 80% मुसलमान हैं उन्दे हक तुसें की नहीं दिते भाई 70 साल इतने पंचें सरपंचें ही अधिकार की नहीं दिते BDC DDC की नहीं लाया इतने 3-tier सिस्टम जड़ा पंचायती राज की नहीं लाया तुसें 87 MLA दे ते इलेक्शन कराए उड़ दे हे पंचे सरपंचे दा टाइमली इलेक्शन कदा इन्हें कराया इन्हें कुछ नहीं किया धांधलबाज दी ही अज मुखी है ना तो परेशान हैं तो पुराने झंडे लाइए फिर देना भाई वह पुराने न ने लाओ ने नया इंडिया है ये मोदी साहब का अमित शाह साहब का इंडिया है झंडा एक अगर एक मैं तुम्हें तस्वीर दसगा देखो एक तस्वीर है सर ये अनंतनाग के स्कूल का नाँ चेंज करिए शहीद श्री रवि जी हायर सेकेंडरी स्कूल रखे कि परेशानी यह भी है कि जो शहीदों के नूलों के नी परेशानी है कुछ नेता कश्मीर घाटी साढ़े जोड़े जवान हैं उन्हें बड़ी कुर्बानियां दीतिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई न आर्मी के जवान पैरामिलिट्री फोर्सिस के जवान मैं उन्हें सारे सलाम पेश करना सल्यूट करना देखो कश्मीर जेड़े साढ़े मुसलमान कश्मीरी भरा न जेड़े साढ़े नौजवान पुलिस की नौकरी करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सिस करते हैं उन्हें बड़ी कुर्बानियां दीतिया DSP मोहम्मद अयूब पंडित SHO फिरोज अहमद डार ASI अब्दुल रशीद शाह साहब लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब अरशद अयूब साहब इंस्पेक्टर अरशद खान साहब SHO अब्दुल रहमान परे साहब लंगेट और चौधरी मोहम्मद औरंगजेब जैसे हजारों की तादाद साढ़े नौजवान आशिक टाक साहब जिन्हें शौर्य चक्र थोया किन्ने SPO किन्ने पुलिस वाले साढ़े शहीद होए मैं इन्हें सारे ही नमन करना ये साढ़े वीर हैं इंदे नाँ सारे स्कूलें च लाने न ताकि और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जिंदा तुसें एक स्पेशल जिक्र किया हा उनके शहीदी दिन ये वो साढ़े साथी न जिन्हें मुल्क वास्ते कुर्बानी की झंडा बुलंद रखिया जम्मू कश्मीर की लड़ाई हिंदू वर्सिस मुसलमान लड़ाई नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर जो संघर्ष चल रहा है यह हिंदू और मुसलमान के बीच में संघर्ष नहीं है यह संघर्ष है वतन परस्त देशभक्त हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले लोगों में और देश के दुश्मन ताकतों के बीच में है देशभक्तों और देश दुश्मनों के बीच का संघर्ष है और जहां देशभक्ति की बात है जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट हो या कश्मीर घाटी हो
बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तानी है, वतन परस्त है। चंद मुट्ठी भर लोगे, चंद गिने थोड़े से उंगलियों पर गिन सकते हो। एक बिल्कुल आखिरी सवाल है तुहाड़े कन्ने, कश्मीर दे लोग नचे ते करदे शैल नचे न, वोट भी देंगे ने? पंजाब प्लस सीटा लईए बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है जम्मू कश्मीर च, अगली सरकार बीजेपी का ही बननी है। और इसे वास्ते तुसें दिखिया ना ये जड़ा नाच गाना गतका, तुसें दिखिया नहीं? दिखिया गतका तलवार, वोट भी देंगे ना? रजिए देगण झंडे चुकी चुकी वोट भी देंगे रजिए दोनों हथे कन्ने। चलो जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंदर रैना जी। रविंदर रैना जी के साथ हमारी खास बातचीत थी और इस बातचीत के अंदर हम यही हमने बात की कि आखिरकार जो ये कश्मीर में गए हुए थे, कश्मीर में कश्मीर के लोग नाचते तो नजर आए, लेकिन क्या भाजपा को वोट भी देंगे? तो इनका कहना है कि राज्य के वोट देंगे, यानी कि जैसे आप वोट देंगे तभी 50 का जो आंकड़ा है वो पूरा होगा, जो इनका मिशन 50 प्लस है। धन्यवाद। राम राम।